see, I'd rather drink all alone. And that's that shit, we're pouring up. हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के अपकमिंग अपडेट के बारे में। ऑब्वियसली हर बार ही पबजी का कोई ना कोई नया अपडेट आ जाता है। एटलीस्ट हर 3 महीने में कोई ना कोई नया अपडेट तो आता ही रहता है पबजी मोबाइल के अंदर। अभी रिसेंटली 0.18.0 आया है, नेक्स्ट अपडेट ऑब्वियसली 0.18.5 आएगा, बट उसके आगे उसके अगला अपडेट जो आएगा वो आएगा 0.19.0 एज यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो आज मैं आप लोगों से इसी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में बात करना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है और क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी अगले मेजर अपडेट में, क्योंकि इससे अगला जो अपडेट आएगा वो उतना मेजर नहीं होगा। मेजर अपडेट होगा 19.0। सो एज यू कैन सी गाइस, दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम स्पोर्ट्स कीड़ा एक वेबसाइट है, वहाँ पर ये आर्टिकल है, वहाँ से मैं ये आर्टिकल आपको देख के बता रहा हूँ। पबजी मोबाइल 19.0 अपडेट लीक्स ऑल यू नीड टू नो, मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से मैक्सिमम जो लीक्स हैं वो 100% तो नहीं कह सकते, एटलीस्ट 90% तो सही हो ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस वेबसाइट को काफ़ी फॉलो करता हूँ और मुझे लगा कि नेक्स्ट अपडेट के बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। सो एज यू कैन गाइस सी, पबजी मोबाइल सीजन 13 इज जस्ट बिगन, द 18.0 अपडेट अभी जो चल रहा है, सीजन 13 चल रहा है, नेक्स्ट सीजन 14 आएगा। अकॉर्डिंग टू मैनी यूट्यूबर पबजी विल गेट अ न्यू वेपन मैप। ये तो हो गया अभी जो इस अपडेट के बारे में है वो वाली चीज़ है जो अभी चल रहा है करंटली। सो फर्स्ट चीज़, नया TDM का मैप हम लोग को देखने को मिलेगा 19.0 के अंदर, जो चाइनीज़ बीटा रोम के अंदर शायद लॉन्च भी हो चुका है, एज आई पर नो जितना मेरे को पता है शायद लॉन्च हो चुका है, मैं श्योर नहीं हूँ गाइस, बट जो भी है नेक्स्ट अपडेट में हमको ये देखने को मिलेगा। पबजी मोबाइल अपकमिंग 19.0 पॉइंट लीक्स में नया TDM का मोड देखने को मिलेगा। देख सकते हो गाइस आप लोग, यहाँ पे एक नया मैप है TDM का, और दूसरी चीज़ है क्विक फायर स्कोप बटन, ये भी हमको देखने को मिलेगा जस्ट लाइक CS GO में जिस तरह से होता है, मतलब जैसे ही आप फायर का बटन दबाओगे ऑटोमेटिक वो स्कोप हो जाएगा, मतलब आपको इवेंचुअली उसके साथ स्कोप बटन नहीं दबाना पड़ेगा, ये बटन अलग से होगा पक्का। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास एक ऑप्शन होगा इसको डिसेबल करने के लिए, यू विल हैव एन ऑप्शन टू डिसेबल दिस फीचर, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितना हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे ही आप क्लोज रेंज फाइट्स में आ जाओगे तो अगर आपने इसको एनेबल कर रखा है और बाई मिस्टेक अगर ये प्रेस हो गया तो एकदम से एनिमी के मुंह के आगे स्कोप खुल जाएगा, बहुत ही हार्ड होगा आपके लिए उसको मार पाना। सो आई एम श्योर कि ये जो चीज़ है ये इसका एक कोई ना कोई ऑप्शन तो देंगे इसको ऑफ और ऑन करने का। थर्ड अपडेट की हम बात करें तो वो आएगी अ न्यू बोल्ट एक्शन राइफल। एज यू गाइज नो देर आर 4 बोल्ट एक्शन राइफल्स अभी पबजी के अंदर, 4 बोल्ट एक्शन है, पहले 3 थी, अब 94 को भी बोल्ट एक्शन में ऐड कर दिया गया है। So a new bolt action rifle is also gonna come in the upcoming update, जिसका नाम होगा मोसिन नगेंट, इस गन का नाम होगा। ये मेरे को थोड़ी बहुत कार 98 के जैसी लग रही है, बट देखते हैं क्या रहता है। A new bolt action sniper rifle मोसिन नगेंट is likely to be on the cards after it was released the PC version of the game। PC के अंदर ये चीज़ है, नया जो है, जो मैंने आपको बहुत बार, मैंने 2 बार इस चीज़ को इस चैनल पे कवर किया है, इरेंगल 2.0 आने वाला है। अब देखो गाइस, पबजी जो है वो रिसेंटली 2 मैप्स के बारे में, मतलब 2 मैप्स नहीं एक्चुअली, हमको एक ही मैप के बारे में बात कर रहा था पबजी मोबाइल कि वी आर गोना टेक अ न्यू मैप, वी आर गोना गिव यू अ न्यू मैप इन पबजी मोबाइल ऑल्सो। एज यू गाइज नो पबजी इरेंगल 2.0 पबजी PC में आ चुका है ऑलरेडी। सो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये चीज़ इरेंगल 2.0 होती है या फिर ये एक और जो मैप है पबजी PC के अंदर, उसका नाम, एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है, लोल। तो पबजी PC के अंदर ये चीज़ आ चुकी है इरेंगल 2.0, देखते हैं इरेंगल 2.0 आता है या फिर हमको कोई नया मैप देखने को मिलेगा, आई डोंट नो क्या चीज़ रहेगी। सो ये 4 तो थी, ये थी मेजर अपडेट्स। और अरे हाँ, एक चीज़ और बताना मैं भूल गई, जो स्नाइपर राइफल होगी इसके अंदर 7.62 की बुलेट्स यूज़ होंगी। सो 5.56 की हमारे पास अभी तक कोई भी बोल्ट एक्शन राइफल नहीं है स्टिल। और अकॉर्डिंग टू द लीक दिस न्यू वेपन हैज़ अ हायर फायर रेट एंड डैमेज देन कार 98 एंड इट विल बी अ
addition in this class. However, it will not replace any other bolt action sniper rifle. This gun is currently uses the 7.62 ammunition. So नई गन ही होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई गन को ये चेंज नहीं करेगी. सो और ये क्या है, एज द नेम सजेस्ट दिस वायर बटन कैन बी यूज फॉर ओपनिंग द स्कोप एंड फायरिंग बटन एट द सेम टाइम, जैसे कि मैंने आपको कहा सेम CS:GO की तरह. और यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा वैसे ये बटन, जो भी है इसका मतलब तो यही होगा कि इस बटन को ऑन और ऑफ करने का फीचर है, जितना मेरे को ये मैप देख के समझ में आ रहा है. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से नीचे एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को फॉर न्यू गेमिंग अपडेट्स एंड गेम प्लेज भी डालते रहता हूँ मैं यहाँ पे. सो यू गाइज कैन सब्सक्राइब. आज मैं लाइक एम रख रहा हूँ दोबारा से, माई न्यू लाइक एम इज 12 लाइक्स, या लेट्स गो फॉर 12 लाइक्स. 12 लाइक्स का लाइक एम है गाइज, फटाफट से कंप्लीट करवा देना. और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब, टिल देन Peace out, guys.